तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की फर्स्ट अपडेट है अबाउट भुवन बम के बारे में। तो भुवन बम की ताजा खबर का ऑफिशियल ट्रेलर ऐसा आ चुका है एंड इसके एंड में इसकी रिलीज डेट 6 जनवरी 23 को बताया गया है। एंड भुवन बम ने रिएक्शन चैनल्स के लिए एक मैसेज दिया, उन्होंने क्या कहा आप देखिए। अभी एड नहीं चल रही बिकॉज आई वॉन्ट ऑल माई रिएक्शन चैनल कंपेनियंस, जितने भी मेरे रिएक्शन चैनल वाले दोस्त हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिएक्ट टू द ट्रेलर एंड टेल एवरीवन दैट ताजा खबर ट्रेलर इज आउट और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वादा। इस ट्रेलर के ऊपर अनमोल सच्चा ने कहा कि वाओ भुवन, व्हाट अ ब्रिलियंट ट्रेलर, कांट वेट टू वॉच दिस, सो प्राउड ऑफ यू, फ्रॉम शॉर्ट वीडियोस ऑन मोबाइल फोन और फ्रंट कैमरा टू दिस जस्ट अमेजिंग। एंड रोहित राज कांग्रेचुलेशंस ब्रो। वहीं मोस्टली सेन ने कहा कि आया थाने का टाइगर। आशीष चंचलानी ने कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू भुवन, मुझे जल्दी दिखा मुझे। हर्ष बेनीवाल ने कहा कि क्रिएटिंग मैजिक एज ऑलवेज। एंड वहीं BNF टीवी ने इसके ऊपर वीडियो भी डाली है। गाइस आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। सो नेक्स्ट अपडेट गाइस अबाउट ठगेश के बारे में। तो ठगेश अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को रिवील किए और उन्होंने बताया कि वो इस पे 1 ईयर से काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। है बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर नहीं पता कॉन्टेक्स्ट तो मेरा स्टूडियो टूर वाला वीडियो जाके देख लेना, उसके एंड में मैंने बोला है कि मैंने जो ऑफिस टूर था, मैंने ऑफिस ही एक्चुअली किसी और चीज के लिए बनाया, मैंने अपने एडिट के लिए नहीं बनाया। बट जो भी है डोर के पीछे मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा। ये प्रोजेक्ट पे मैं एक्चुअली, मेरे को 1 साल पहले थॉट आया था, तब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया था एंड धीरे धीरे बहुत सारी चीजें की इसमें एंड बहुत सारी दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, लोचे लफड़े हुए, अभी तक हो रहे हैं एक्चुअली। मैं बता नहीं सकता क्या हो रहा है, वो सब तुम लोगों को बाद में ही बताना पड़ेगा नहीं तो। बट मोस्टली नेक्स्ट वीक तक शायद बता दूंगा प्रोजेक्ट क्या है, रिवील कर दूंगा, टीजर है जो भी है सब डाल दूंगा। सो नेक्स्ट अपडेट है गाइस अबाउट उर्फी जावेद के ऊपर में। तो उर्फी जावेद के ऊपर एडवोकेट अली कासिफ खान देशमुख ने पुलिस कंप्लेंट किया है, बेसिकली उनके कपड़ों को लेकर। उन्होंने ट्वीट किया कि जहां पर मुंबई पुलिस को टैग भी किया और उनका कहना है कि रणवीर सिंह का फोटोशूट था तो उनके ऊपर केस हुआ था एंड अगर उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है तो उर्फी जावेद के ऊपर क्यों नहीं। इसके ऊपर उर्फी जावेद ने कहा कि पता नहीं और उनके ऊपर कितनी पुलिस कंप्लेंट्स होंगी, उन्हें आश्चर्य होता है कि लोगों को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उन्हें ओपनली थ्रेटन्स एंड किल करने के रेप्स के थ्रेट्स देते हैं। एंड उन्होंने कहा कि सभी को मुझसे दिक्कत है, सिर्फ मेरे कपड़ों से, लेकिन उन मेन से नहीं जो रेप और मर्डर करते हैं। फिर वो अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहें कि दिस इज मी इन अ रेस्टोरेंट, आई लुक सो गुड देयर, प्लीज यूज दिस वीडियो एज एविडेंस इन कोर्ट। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।